दोस्तों, एक ऋषि थे जो कुरुक्षेत्र में रहते थे। उनका नाम था मुग्दल ऋषि। ये ऋषि बड़े ही धर्मात्मा और अपनी सारी इंद्रियों को अपने बस में करने वाले थे। भगवान के परम भक्त और हमेशा सत्य बात बोलने वाले थे। किसी की भी ये ऋषि जो थे वो कभी निंदा नहीं करते थे। बड़े ही कर्मनिष्ठ और महात्मा थे। ये हमेशा अपने जीवन का निर्वाह ऐसे अन्न से ग्रहण करते थे, जो अन्न जब किसान अपने खेतों में काट करके चले जाते थे और जब सारा अन्न उनका उठ जाता था तो उसमें जो बचा हुआ था वह उसको बीन करके इकट्ठा करते थे और उसी अन्न से अपने जीवन का काम चलाते थे और उसी अन्न को वे ग्रहण करते थे। बड़ी बड़ी बाजारें जब लगती थीं और बाजारें जब समाप्त हो जाती थीं तो उन बाजारों में जो अन्न के दाने गिर जाते थे उनको बीन करके उसी से अपने जीवन का वह निर्वाह करते थे। और इसी तरह से वे कुछ इकट्ठा भी कर लेते थे, उसी से ये यज्ञ भी करते थे और हमेशा 15वें दिन अमावस्या और पूर्णिमा को ये हमेशा याग किया करते थे। देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता था उसी से अपने परिवार सहित निर्वाह किया करते थे। दोस्तों, जो भी अन्न ये किसानों के खेत में जब उनका अनाज उठ जाता था और जो भी शेष रह जाता था उसको ये बीन करके इकट्ठा करते थे और उसमें से ऋषियों को और अतिथियों को भोजन करवाते थे। उसके बाद जो बचता था उसी से अपने जीवन का यह निर्वाह करते थे। जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण स्वयं थे, वैसी ही इनकी धर्मपत्नी भी थी और जो इनकी संतान थी वह भी ऐसी ही थी। मुग्दल जी सपरिवार महीने में केवल दो ही बार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भोजन करते थे और उसी से अतिथि के जो भी इनके दरवाजे पर आता था उनको भी भोजन कराते थे। और उनको भोजन कराने के बाद कहते हैं कि उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन साक्षात देवराज इंद्र देवताओं सहित उनके यज्ञ में आकर के भाग लेते थे। इस प्रकार से मुनि वृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना यही उनके जीवन का व्रत था। मुनि के इस व्रत की ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैल चुकी थी, चारों ओर इसकी चर्चा थी। एक दिन की बात है कि उनकी कीर्ति की कथा को सुन करके महर्षि दुर्वासा मुनि के कानों में जब यह बात पड़ी तो उनके मन में उनकी परीक्षा लेने की बात आ गई। दुर्वासा महाराज जहां तहां व्रतशील उत्तम पुरुषों को व्रत में पक्का करने के लिए ही क्रोधित वेश में घूमा करते थे। वे एक दिन नंग धड़ंग पागलों सा वेश बनाए हुए मुड़ मुड़ाए कटु वचन कहते हुए वहां पहुंचे और पहुंचते ही कहने लगे कि विप्रवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहां पर आया हूं। उस दिन पूर्णिमा का दिन था। मुग्दल ने आदर सत्कार किया और ऋषि की अभ्यर्थना करके उन्हें भोजन कराने के लिए बैठा दिया। उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन परोस करके भोजन कराया। मुनि भूखे तो थे ही, श्रद्धा से प्राप्त हुआ वह अन्न उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा। बात ही बात में रसोई में जो भी जितना कुछ बना हुआ था सब कुछ वे खा गए। बचा खुचा जो भी अन्न था उसको अपने शरीर पर चारों तरफ लपेट लिया। जूठा अन्न शरीर पर लपेट करके वे जिधर से आए थे उधर ही निकल गए। मुग्दल ऋषि सपरिवार भूखे रहे। प्रत्येक पर्व पर ऐसे ही दुर्वासा जी आते और भोजन करके चले जाते। मुनि को परिवार सहित भूखे रह जाना पड़ता था। 15 दिनों तक कटे हुए खेतों में बिखरे दानों को वे बीनते और स्वयं निराहार रह करके प्रत्येक 15वें दिन वे दुर्वासा ऋषि के भोजन करवाते। स्त्री पुत्र ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, जरा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। आजकल के व्यक्ति या मनुष्य एक बार यदि उनके साथ ऐसा हो जाए तो वे क्रोध से दूसरे दिन उस व्यक्ति को अपने द्वार पर आने नहीं देंगे। क्रोध, ईर्ष्या और अनादर का भाव भी उस ऋषि को नहीं आया। ऐसे थे मुग्दल ऋषि। ज्यों के त्यों वे ऋषि शांत बने रहे। इसी तरह से लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर दुर्वासा ऋषि आए और ऐसा ही कृत्य करके वे वापस चले गए। 15 दिनों में एक बार भोजन करने वाला तपस्वी कुटुंब 3 महीने तक लगातार भूखा रहा। दोस्तों, कोई 2 दिन तक भूखा नहीं रह सकता, लेकिन ऐसे ऋषि थे और ऐसा उनका तप था कि वे 15 दिनों तक लगातार भूखे रहे। परंतु किसी के भी मन में कुछ भी दुख नहीं था, कोई भी क्रोध नहीं था, कोई भी क्षोभ नहीं था, कोई अपमान और विकार नहीं उत्पन्न हुआ। दुर्वासा जी ने हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। दुर्वासा जी इनके धैर्य को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए।
उन्होंने कहा कि मुनि मुग्दल, मुझे इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई नहीं मिला है। ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं पाई है। भूख बड़े बड़े लोगों को धार्मिक विचारों को डिगा देती है और हर व्यक्ति के धैर्य को हरण कर लेती है। जीव तो रसना की ठहरी, वह सदा रस का स्वाद लेने वाली है। मन तो इतना चंचल है कि इसको बस में करना बड़ा ही कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों को काबू में रख करके भूख का कष्ट उठाते हुए परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा करके उसकी चारों तरफ घोषणा करते हैं। ऐसे पुण्य जैसे तुम्हारे उदय हुए हैं आज तक किसी के नहीं हुए, न तो आज ने किसी ऋषि ने ऐसा अपने जीवन का निर्वाह किया है। महर्षि दुर्वासा यूं कह ही रहे थे कि तभी देवदूत विमान लेकर के मुग्दल ऋषि के पास आ गए। देवदूत ने कहा कि प्रभु, आप महान पुण्यवान हैं, आप सशरीर स्वर्ग चले। उस देवदूत की बात को सुनकर के महर्षि ने उनसे कहा कि देवदूत, सत्पुरुषों में सात पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है, इसलिए मैं आपसे जो कुछ पूछूं उसके उत्तर में जो भी सत्य और है और जो भी हितकर है वही मुझे बतलाना। मैं आपकी बात सुनने के बाद ही निश्चित करूंगा कि मुझे वहां चलना है कि नहीं। देवदूत से कहने लगे कि मेरा प्रश्न यह है कि स्वर्ग में मुझे कौन सा सुख मिलेगा और कौन सा दुख मिलेगा। देवदूत ने महर्षि मुग्दल की बात को सुनकर के कहा कि स्वर्ग लोक में और उससे ऊपर के भोगमय लोकों में शुभों का वर्णन किया। देवदूत जितने भी सुख स्वर्ग में थे वे कहने लगे और उससे ऊपर के लोकों में जितना सुख था उन सभी का वर्णन किया। इतना कहने के बाद वहां का सबसे बड़ा दोष यही कहा कि वहां से एक न एक दिन पतन हो ही जाता है। जैसे ही स्वर्ग में आपके पुण्य छीण हुए वैसे ही आपको वहां से स्वर्ग से उठा करके कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। ब्रह्मा लोक पर्यंत सभी लोगों का पतन भय जीव को सदा बना रहता है। वे कहने लगे, सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उनसे निम्न स्थानों में गिरने वाले प्राणियों का जो असंतोष और वेदना होती है उसी का वर्णन करना कठिन है। यह सुनकर के महर्षि मुग्दल ने देवदूत को विधि पूर्वक नमस्कार किया और अत्यंत प्रेम के साथ यह कहकर के लौटा दिया कि जब मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे मैं वहां से लौटा दिया जाऊंगा तो मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। मैं तो ऐसे धाम को जाना चाहता हूं जहां से मुझे लौट करके ना आना पड़े। हे देवदूत, मैं तो उस विनाश रहित परम धाम को ही प्राप्त करूंगा जिसे प्राप्त कर लेने पर शोक व्यथा दुखों की निवृत्ति हो जाती है और हमेशा परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। देवदूत उनसे यह उत्तर पा करके उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए वहां से लौट गए। उसके बाद मुनि मुग्दल ने हमेशा भगवान के नाम को जप करके स्वर्ण तथा मिट्टी में समभाव रखते हुए ज्ञान तथा वैराग्य भगवान की भक्ति की साधना और यही करते हुए वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे।